आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। कन्नौज से तीनों विधानसभा प्रत्याशियों के नाम अब सामने आ गए हैं। भाजपा ने कन्नौज सदर सीट पर पूर्व पुलिस आयुक्त असीम अरुण पर दाव लगाया है। बाकी को त्याग कर खादी पहनने वाले असीम अरुण हाल ही में नौकरी से वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब उन्हें कन्नौज की सदर आरक्षित सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं तिरवा विधानसभा से वर्तमान भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के करीबी रहे कैलाश राजपूत को फिर एक बार प्रत्याशी बनाया गया। कैलाश राजपूत वर्तमान में भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं। इसके बाद कन्नौज की तीसरी विधानसभा सीट छिबरामऊ पर भाजपा ने सिटिंग एमएलए अर्चना पांडे को ही हरी झंडी दिखाते हुए पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अर्चना पांडे ने पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट अच्छे मतों से समाजवादी पार्टी से छीनी थी। आपको बता दें कि अर्चना पांडे भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय रामप्रकाश त्रिपाठी की पुत्री हैं और स्वर्गीय रामप्रकाश त्रिपाठी इस क्षेत्र में जन जन के जाने पहचाने सीनियर लीडर माने जाते थे। ये सूबे की भाजपा समर्थन वाली मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रहे थे। कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले कन्नौज जनपद से भाजपा इस चुनाव में तीनों सीट अपनी झोली में डालना चाहती है। कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। खुद अखिलेश यादव भी कन्नौज से सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में कन्नौज सदर सीट को नहीं जीत पाए थे। कन्नौज सदर सीट पर समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे मोदी लहर के बावजूद 2017 में इस सीट पर कब्जा कर पाने में सफल हुए थे। अब देखना ये होगा कि भाजपा कन्नौज की इन तीनों सीटों को इन प्रत्याशियों पर दाव लगाने के बाद किस तरह सोशल कैंपेन के युग में अपनी झोली में ला सकेगी। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।